मोदी जी दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? 2015 में दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को जिता दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी को कहा आप देश संभालो। और दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। बीजेपी को 3 सीट देने का क्या मतलब? दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखें लाल करके मोदी जी की तरफ देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार दिल्ली की तरफ आंख उठा के देखी तो। बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट दी, बोले केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। फिर से दिल्ली के लोगों ने आंखें लाल करके मोदी जी को कहा आप देश संभालो, दिल्ली की तरफ आंख उठा के मत देखना। लेकिन प्रधानमंत्री जी से देश तो संभल नहीं रहा, देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम रोक देते हैं, रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के। मैं स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरे अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूं, प्रधानमंत्री जी एलजी को कह के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने गरीबों के टेस्ट बंद करवा दिए। दोस्तों मैंने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, प्रधानमंत्री जी ने योगा क्लासेस बंद करवा दी। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आप देश संभालो ना, आपसे देश तो संभल नहीं रहा, देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे, इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.